अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मेरे पास ये दो सेट फेंडर हैं, एक है फ्री सेट का V8 फेंडर। तो ये देखें दोस्तों, ये फ्री सेट का V8 फेंडर है। तो इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी। तो दूसरा मैंने आज लिया है ये एसेट लिंक का WS6933 मॉडल। ये इसका रिव्यू, आज हम इसका रिव्यू करेंगे दोनों में से कौन सा सेट फेंडर जल्दी सेटेलाइट ट्रैक करता है। तो पहले तो इसका रिव्यू करते हैं, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो इस V8 फेंडर का, फ्री सेट V8 फेंडर का मैंने पहले रिव्यू किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलें इसको तो अलग रखते हैं, इसको अलग कर देते हैं दोस्तों। ये इसकी पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। तो ये वाला जो मॉडल है दोस्तों, ये देखें ये वाला, तो इसका आज रिव्यू करेंगे और उस मॉडल से कंपेयर करेंगे कौन सा अच्छा वर्क करता है, कौन सा सेट फेंडर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो चलें दोस्तों अब वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें। दूसरे सेट फेंडर से बहुत अच्छा वर्क करता है। तो पहले इसको ओपन करते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, मुझे इसमें ये वाला फेंडर, तो इसके साथ ये इसका चार्जर ताकि कहीं गिर ना जाए, ये उसके लिए। तो ये लास्ट में दोस्तों ये है इसकी USB केबल, ये इसके सॉफ्टवेयर के लिए। तो चलें दोस्तों अब मैं आपको इसका रिव्यू कराता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ये डिश की केबल लगाने की जगह है। तो ये आप देखें रिटर्न का बटन है, ये ओके का बटन है, ये अप डाउन का बटन है, ये साइड पे करने का बटन है। तो ये आप देखें इसका, ये दिया गया है कंपास, दिया गया है कंपास सेंसर है इसमें ताकि ईस्ट और वेस्ट का इल्म हो सके। तो साइड पे ये देखें दोस्तों, ये इसकी चार्जिंग वाली जगह है, ये इसकी USB केबल लगाने की जगह है सॉफ्टवेयर के लिए। तो चलें दोस्तों, ये इसमें एक और भी चीज़ है, ये इसकी फ्लैश लाइट। अगर आपको कभी रात को काम करना पड़ जाए तो आप इसकी फ्लैश लाइट भी जला सकते हैं, ये वाला बटन है। ये देखें दोस्तों, इससे ये जो है ना, ये फ्लैश लाइट जल जाएगी जब ऑन करेंगे उसके बाद। तो ये ऑन का बटन है दोस्तों, ये ऑन करते हैं, ये ऑन हो चुका है। तो अब इसकी फ्लैश लाइट ये देखें दोस्तों जल गई, ये रात को। तो चलें दोस्तों अब मैं इसका सिस्टम आपको दिखाता हूँ। ये देखें सिग्नल सिस्टम, TP स्कैन। तो ये देखें यहाँ पर TP स्कैन का सिस्टम है दोस्तों, ये देखें यहाँ पर कोई भी TP लगा कर आप सिग्नल स्कैन, मतलब है इसमें DB का सिस्टम भी दिया गया है और जो है ना इसके और भी बहुत सारे सिस्टम है दोस्तों। तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये है, ये देखें नीचे नीचे सेट मैनेज, यहाँ पर सेटेलाइट ऐड करने का सिस्टम है, ऐड एडिट और डिलीट सेटेलाइट। तो चलें दोस्तों इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखें TP मैनेजर, यहाँ पर आप
टीपी लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, ऐड कर सकते हैं, ट्रांसपोंडर्स को डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको और इसका फंक्शन दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये है सेट सेटिंग, यहाँ पर सेटेलाइट सेटिंग आप कर सकते हैं इसकी, ये यूनिवर्सल से सी बैंड या सी बैंड 5150 जो आप रखना चाहें, इसके फंक्शन डेजक पोर्ट देना चाहें तो आप ये भी इसका सिस्टम है दोस्तों। तो इससे भी रिटर्न करते हैं तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाला टूल। तो ये देखें दोस्तों, इसमें ये देखें डेट दी गई है ऊपर सॉफ्टवेयर की, इसका 219 का सॉफ्टवेयर है, आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर वर्जन टोटली ये बताया गया है दोस्तों। तो इसे रिटर्न करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको अब जो है ना चल कर दिखाता हूँ कि ये दूसरे सेट फाइंडर से कितना बेहतर का वर्क करता है। आप देखेंगे एक नमूना इसका कि ये दूसरे सेट फाइंडर से बहुत अच्छा वर्क करता है। तो चलें दोस्तों डिश की तरफ चलते हैं और वहाँ पर चल कर देखते हैं कि ये दूसरा मेरे पास एक सेट फाइंडर आए उससे ये बेहतर वर्क करता है। फ्री सेट V8 फाइंडर है मेरे पास दूसरा, ये मेरे ख्याल में उससे बहुत अच्छा वर्क करता है। तो चलें दोस्तों अब चल कर दोनों में से बेस्ट सेट फाइंडर कौन सा है चल कर चेक करते हैं दोस्तों। चलें दोस्तों हम डिश की तरफ आ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने सामने सेट फेंडर लगा दिया है, V8 फेंडर, फ्री सेट का V8 फेंडर। तो आपको मैं ये भी दिखा दूं कि ये मेरी डिश है जिससे छोटे 2 फीट की डिश है, ये इससे जो है ना ये सिग्नल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ये केबल, आप देख रहे हैं ये इस डिश की तरफ, इस सेट फेंडर की तरफ आ रही है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, ये डिश टीवी का जो प्रोमो चैनल है ये फ्री चल रहा है जो। तो चलें दोस्तों अब वीडियो कान की फ्रिक्वेंसी लगाकर अब मैं जो है ना इसको वीडियो कान की फ्रिक्वेंसी लगाकर दोस्तों सिग्नल सेट करने के वीडियो कान की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये मैंने 11050 हॉरिजॉन्टल, ये नीचे वाली फ्रिक्वेंसी आप देख लें, 11050 हॉरिजॉन्टल 30,000, ये आसान फ्रिक्वेंसी है वीडियो कान की, वो मैंने लगा लिया है। तो अब मैं डिश को टर्न करूँगा तो लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं आएंगे, लेकिन वो जल्दी टेकअप कर लेगा, आप देख लेना। तो चलें दोस्तों अब जो है ना देखें दोस्तों, ये डिश है, मैं डिश को अप डाउन नहीं करूंगा दोस्तों, इस तरफ खींचूंगा ताकि सिग्नल रिसीव हो जाए। लेकिन वो सेट फाइंडर वो जो मैंने आपको पहले दिखाया है वो सिग्नल ट्रैक कर लेगा। ये देख रहे हैं दोस्तों सिग्नल रिसीव नहीं हुआ है। तो चलें दोस्तों अब मैं आपको इस वही जो अभी चल रही थी फ्रिक्वेंसी डिश टीवी की वो लगाकर बैक करते हैं।
चलें दोस्तों, हमने दोबारा NSX 95 ईस्ट लगा लिया, तो वीडियो कॉन 88 ईस्ट की के लिए हम वो वाला सेट फेंडर लगाएंगे। तो चलें दोस्तों वो उसको देखते हैं। ये देखें दोस्तों, ये इसकी केबल की जगह है, इस पर मैं केबल लगा लेता हूँ। आप देख लें तार का सिग्नल भी रिसीव हो गया। तो चलें दोस्तों, मैंने ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है वीडियो कॉन की, 11050 आपको साफ नज़र आ रही होगी, 11050 30,000 H। तो चलें दोस्तों, अब डिश को खींचते हैं और देखते हैं कि अब सिग्नल रिसीव होते हैं या नहीं। ये देखें, इसने बता दिया कि यहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं। आप इसकी DB के ऊपर गौर करें, DB भी 00 है, लेकिन नज़दीक आने की वजह से इसने बता दिया कि यहाँ पर सिग्नल आने वाले हैं। ये देखें, थोड़ा बहुत कम आ रहे हैं, हमने ऊंचा भी नहीं किया डिश को, तो आप देख रहे हैं मैंने ऐसे ही खींच लिया डिश को। ये देखें जो चाप चलेगा, ये यहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं, क्योंकि हमने LNB को टर्न नहीं किया दोस्तों, और ना ही अप डाउन किया, तो उसकी वजह से ये सिग्नल फुल नहीं आ रहे। तो ये देख लें, ये बता रहा है कि यहाँ पर, हालांकि हम NSX की पोजीशन से अप डाउन डिश भी LNB की पोजीशन भी NSX की है, लेकिन फिर भी इसने बता दिया कि यहाँ पर वीडियो कॉन का सिग्नल मिल जाएगा अगर आप अप डाउन करेंगे। तो चलें दोस्तों, ये दूसरे सेट फाइंडर से बहुत बेहतरीन वर्क करता है, तो ये नमूना मैंने आपको दिखा दिया। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।